ये सारे टॉपिक्स कर लेना गाइस और आपके नंबर बहुत बढ़िया आने वाले हैं ऑल अदर स्ट्रेटजीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू दिस वन विल आई आर श्योर यू ये स्ट्रेटजी अगर फॉलो नहीं करी यू कर मेजर डिस एडवांटेज नो बडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम टॉपिंग योर क्लास ओके गाइज प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि, कि मैंने कैसे इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिश करी इन पोलिटिकल साइंस बाय वर्ल्ड साइंटिफिक मैंने कैसे नाइटी एट मार्क्स स्कोर करे इन पोलिटिकल साइंस एंड मैंने कैसे बच्चों को गाइडेंस दी जिसकी वजह से उनके ट्वेल्थ में और सीय में बहुत बढ़िया नंबर आते हैं इन पोलिटिकल साइंस लेकिन इस वीडियो में आफ्टर अ लॉर्ड ऑफ रिक्वेस्ट एंड डिमांड मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं और फोर जिससे आप बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हो अगर आप ये लेटेस्ट में देख रहे आपके पास चार दिन नहीं है नो no प्रॉब्लम भाई आराम से जस्ट ट्रंकेट प्लान, डू मोर वर्क इन वन डे या फिर नाउ अंडरस्टूड थोड़ी प्री रेक्ट नॉलेज है जो आपको स्ट्रैटी से पहले जानने की जरूरत है, वो मैं आपको बता देता हूं. Okay, ये है कि ऑल चैप्टर्स ऑफ बुक वन आर इक्वली इंपॉर्टेंट और सिक्स मार्कर किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है अपार्ट फ्रॉम चैप्टर ग्लोबलाइजेशन ऐसा क्यों है बिकॉज़ अगर आप सिलेबस को देखोगे आपको पता चलेगा ऑल चैप्टर्स इन कंटेम्प्री वर्ल्ड पॉलिटिक्स रीडर जो फर्स्ट बुक है आपकी सारे चैप्टर्स अपार्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन सब छे नंबर के आ रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन फोर मार्क्स का आ रहा है लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन वो किसी से भी पूछ सकते हैं सो जस्ट एट बुक टू सिक्स मार्कर्स कैन ओली भी आज फ्रॉम चैप्टर्स लाइक चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, रीजनल एस्पिरेशंस और रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स जो आपके पूरे सिलेबस का एक्चुअली सबसे ज्यादा मेजर चैप्टर है बिकॉज वो एट नंबर का आने वाला है एट मार्क्स का आने वाला है सो विद डैट प्री नॉलेज अंडरस्टैंड कि आपको बुक वन को थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा कि सिक्स मार्कर कहीं से भी बन के आ सकता है फॉर एग्जाम्पल पूरे सिक्योरिटी चैप्टर की समराइजेशन एक सिक्स मार्कर में हो सकती है ट्रडिशनल नोशन एक्सटर्नल नोशन इंटरनल नॉन ट्रेडिशनल वो पूरा सिक्स मार्कर काफी बार पूछा जाता है लेकिन बुक टू में मोस्ट चैप्टर्स आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर अ सिक्स मार्कर तो हमें उन्हें शॉर्ट क्वेश्चन और मीडियम लेंथ क्वेश्चन टू या फोर मार्कर्स के या कार्टून के बेसिस पे ही प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ओके गाइज डे वन पे हम सिक्योर करने वाले है, 24 yes, yourself, हैं ट्वेंटी फोर चैप्टर कॉल्ड एंड ऑफ बाइ पोलॉटी उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो जान लेते हैं फॉल ऑफ दर्ड इन वॉल गोड बच ऑफ एंड सोवियत डिस इंटीग्रेशन जो सिक्स मार्कर बहुत यूजअली पूछा जाता है रीजन बिहाइंड द सोवियत डिस इंटीग्रेशन जो थ्री फोर और सिक्स पेज नंबर पे है थ्री फोर फाइव सिक्स पेज नंबर पे है

टिव सिक्योरिटी से फोर मार्कर आ सकता है इंडिया एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स टू सिक्योरिटी एसेट्रा एसेट्रा दैट मार्कर डे टू हम करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज रीजनल एस्पिरेशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स

बिलिटीट नहीं है कि आपको ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन मिले कोई लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाए उससे ठीक है बेसिकली ऑफ ग्लोबलाइजेशन और उसके पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंस का फोर मार्क प्रैक्टिस कर लो ठीक है कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड यूएस यूएसनी टू से फोर मार्क्स में आ सकता है ठीक है इंडियाज रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन टू से फोर मार्क्स में आ सकता है नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द इंटायर सिलेबस रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स ये आने वाला है आपका आठ नंबर का सी द होल चैप्टर इज इंपॉर्टेंट ठीक है एंड ये सारी चीजें आपको वैसे एज ए सिटीजन भी पता होनी चाहिए तो मेरे लिए अनफेयर होगा अगर मैं आपको बताऊं कि क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ओके बट या फोकस ऑन मंडल कमीशन फोकस ऑन अयोध्या एंड द ग्रोइंग कंसेंस टॉपिक ऑन पेज वन फिफ्टी थ्री उसे फोर मार्कर बन गया सकता है बट दिस इज टेक दिस विद्रीन ऑफ ऑल गाइज पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आठ नंबर का आ रहा है ध्यान से पढ़ लेना देन वी गो नो डू रीजनल एस्पिरेशन तो एरियाज ऑफ टेंशन जे एन के इज वेरी इंपॉर्टेंट एक सिक्स मार्कर आपसे पूछा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जे एन के इट्सल्फ एक्सटर्नल इंटरनल प्रॉब्लम और लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है द क्रिएशन ऑफ लद्दाख केन ऑल्सो भी अपॉइंट इन दट ट्रविडियन मूवमेंट पे फोर टू सिक्स मार्कर आ सकता है

तो पूछा जा नहीं सकता पेज ट्वेंटी नाइन की जो वोटिंग प्रोसेस है जिसमें आपको बताया जाता है पंजाब जिसने अपने फर्स्ट इलेक्शन so, जो कॉमेंट्स मारे थे वेरियस न्यूज पेपर ने जैसे हिंदुस्तान में पब्लिश हुआ था एक कॉमेंट मारा था बाहर के लोगों ने दैट दिस वुड बी अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी समथिंग लाइक दट दैट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोबली शो अपन मार्स एनी ऑफ दिस कंफर्म नहीं है बट आर जस्ट आर जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकन शो अपन एक्सम राइट यूर ऑल्सो लाइकली टू गेट टू मार्कर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज इसमें आउटलाइन है सो सोशलिस्ट पार्टी सीपीआई इनकी बेसिक डिटेल्स ये कहाँ फाउंड हुई थी और इनके फाउंडर्स कौन था पार्ट फ्रॉम दट कॉम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला कैन आई दर कम एज अ टू मार्कर और यू मी आज टू पॉइंट आउट इन द मैप की पहली कांग्रेस डिफीट किस स्टेट में हुई थी तो आप उसमें पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो आपने फर्स्ट बुक में भी पढ़ा है टू और फोर मार्कर नेहरू का क्या रोल था कैम्प डिस्टेंस ऑल दैट स्ट एफ्रो एशियन यूनिटी कैन कम एज ए टू मार्कर जो चाइनीज इशू है टिबेट का इशू है

आप हर चैप्टर को पढ़ो सब कुछ जानो लेकिन इन इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लेना. ठीक है तो आएंगी ही वी नो दैट फॉर श्योर लाइक हमने जियोग्राफी में किया और हमारी प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट सारी सही निकली बट गाइस पढ़ना जरूरी है बिकॉज छे छे नंबर के इतने सारे चैप्टर्स हैं, यू लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन इन एनी ऑफ दैट सील्स द स्ट्रेटजी इसको फॉलो करो, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे गारंटी दैट एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड ऑन द प्ले स्टोर और गो टू लर्न डॉट ग्रांड कार्ड डॉट कॉम स्लैश कोर्सिसंट पोलिटिकल साइंस चैंपियंस